swayam prabha digital india educated india namaskar भारतीय राजनीति से संबंधित चर्चा की अपनी इस श्रृंखला में आज हम भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के बारे में बातचीत करेंगे ट्रेड यूनियन आंदोलन कई बार हिंदी में इसके लिए श्रमिक संघ आंदोलन शब्द का ही इस्तेमाल किया जाता है लेकिन आ, ट्रेड यूनियन यह शब्द ज़्यादा प्रचलित है ज़्यादा आम फहम है और जब हम ट्रेड यूनियन की बात करते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि कैसे एक स्थान पर काम करने वाले सरकारी या गैर सरकारी कर्मचारी अपने आप को संघ में जोड़ते हैं एक तरीके का संघ समूह बनाते हैं संगठन बनाते हैं और उसके माध्यम से वो अपने हितों को पूरा करने की कोशिश करते हैं हमारी जो आज की पूरी चर्चा है उसमें आ, हमारी कोशिश ये होगी कि हम आ, भारत में ट्रेड यूनियन के उभार की एक जो पूरी ऐतिहासिक दास्तान है उसको समझें और आज़ादी के बाद के दौर में क्या स्थिति रही उसके बारे में बातचीत करें और मौजूदा समय में जो ट्रेड यूनियन आंदोलन है वह किस तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है उसकी एक समझ का विकास करें आ, अगर मैं इस अब आज की पूरी चर्चा की एक रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत करूं तो वो इस तरह से होगी सबसे पहले हम भारत में श्रमिक वर्ग के उदय के बारे में बात करेंगे फिर भारत में कैसे औद्योगिकरण की शुरुआत के साथ श्रमिक वर्ग और श्रमिक वर्ग के समस्याओं की का उभार हुआ फिर ट्रेड यूनियन का उदय और उसका विकास उसके बाद हम लोग ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस या एटक के बारे में देखेंगे ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के समझ बनाएंगे कम्युनिस्टों की भूमिका के को बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे उसके बाद स्वतंत्रता के बाद भारत में श्रमिक आंदोलन किस तरह से चला उसकी चर्चा करेंगे नई आर्थिक नीति उन्नीस के प्रभाव और फिर ट्रेड यूनियन और राजनीतिक दलों के बीच का जो अंतर संबंध होता है उसको कैसे देखा जा सकता है दोनों एक दूसरे पर किस तरह से प्रभाव डालते हैं इस पर हम विचार करेंगे उसके बाद हम हाल के समय में श्रम आ, कानूनों में हुए बदलावों के बारे में चर्चा करेंगे हालांकि अभी तक जब मैं आपके सामने इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब तक ये पूरी तरीके से प्रभावी नहीं हुए हैं लेकिन आ, यह संभावना है कि निकट भविष्य में इन्हें लागू करने की जो व्यवहारिक रूप से लागू करने की शुरुआत है वो हो जाए तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन बदलावों का क्या मतलब है और ये किस तरीके से श्रमिकों के हितों को पर प्रभाव डालती हैं तो ये जो ट्रेड यूनियन आंदोलन हिंदुस्तान में है उसकी एक पूरी यात्रा इन आने वाले पचास से पचपन मिनट में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा और आखिर में हम भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन की कमजोरियों पर भी बातचीत करेंगे अगर हम ट्रेड यूनियन या श्रमिक वर्ग की बात करें तो ऐसा नहीं था कि पहले भी यानी कि मुगल काल में मध्य युग में श्रमिक नहीं थे लेकिन जो औद्योगिकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो पूरी प्रक्रिया है वह आधुनिक दौर की परिघटना है और उसके पहले हम यह नहीं कह सकते हैं कि एक जगह बहुत बड़ा कारखाना ऐसा लगा और बहुत सारे मजदूर एक साथ काम कर रहे थे और उन्होंने अपने आप को समूहों में गठित किया अलग अलग तरह की परिस्थितियाँ थीं मध्य युग में तो ये जो पहली बात हमें याद रखने की ज़रूरत है कि जो ट्रेड यूनियन की परिघटना है चाहे वो यूरोप हो चाहे वो हिंदुस्तान हो वो आधुनिक दौर की परिघटना है और यह औद्योगिकरण के साथ जुड़ा हुआ है भारत में आधुनिक मजदूर वर्ग का उदय उन्नीसवीं शताब्दी में औपनिवेशिक शासन के तहत पूंजीवाद के आगमन के साथ हुआ यह श्रम के अपेक्षाकृत आधुनिक संगठन और श्रम के लिए मुक्त बाजार के अर्थ में एक आधुनिक मजदूर वर्ग था यह विकास के लिए आधुनिक कारखानों रेलवे डॉकयार्ड सड़कों और भवनों से संबंधित निर्माण गतिविधियों की स्थापना के कारण सामने आया था बागान और रेलवे भारतीय उपमहाद्वीप में औपनिवेशिक पूंजीवाद के शुरुआती उद्यम थे और जो बागान और खादान श्रमिक थे तो जैसे जैसे अंग्रेजों के आने के बाद जो औद्योगिक गतिविधियां शुरू हुई और जहां पर अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए कुछ मजदूरों को काम पर लगाया और उसके माध्यम से या तो वो रेलवे का निर्माण कर रहे थे या खादान में उनका उपयोग कर रहे थे तो इन सभी स्थानों पर चूंकि पूंजीवाद मुनाफे की पूरी प्रवृत्ति पर आधारित होता है इसलिए यह कोशिश की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो जो अंग्रेज हैं या जो ब्रिटिश कंपनियां हैं उन्हें और जो मजदूर हैं उन्हें कम से कम दिया जाए जिसका नतीजा निश्चित रूप से मजदूरों के शोषण के रूप में सामने आया आमतौर पर आरंभ में इनकी स्थिति पर ध्यान नहीं दिया गया बाद में बहुत से समाज सुधारकों ने बहुत से पत्रकारों ने इनके स्थिति पर ध्यान दिया और शुरुआत में इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा नहीं सुधरी क्योंकि अलग अलग तरीके से मजदूरों की बुरी स्थिति देख, देख सामने आ रही थी पर उनके भीतर कोई संगठन की भावना नहीं थी इसके बाद औद्योगिक विकास भी हिंदुस्तान में उन्नीसवीं सदी में तेज़ी से आगे बढ़ा कपास और जूट उद्योग के श्रमिक जनता की निगाहों में ज़्यादा थे प्रारंभिक सामाजिक कार्यकर्ता और कल्याणकर्ता भी उन तक बेहतर संगठनात्मक कार्य के साथ बेहतर रिपोर्टिंग और सार्वजनिक समर्थन पहुंचाने को सुनिश्चित कर सकते थे तो इनकी स्थिति बागान या खादान में जो काम करने वाले मज़दूर थे उनसे थोड़ी बेहतर थी क्योंकि आ, उनकी स्थिति के बारे में रिपोर्टिंग ज़्यादा हुई वर्ष 1870-1880 में कानून द्वारा श्रमिकों की कार्य दशाओं को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया वर्ष 1903-1908 के स्वदेशी आंदोलन तक मजदूरों की काम करने की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया वर्ष उन्नीस सौ पंद्रह से बाईस के बीच फिर से होमरूल आंदोलन और सहयोग आंदोलन के साथ साथ श्रमिक आंदोलन का पुनरुत्थान हुआ श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में शुरुआत सुधार के शुरुआती प्रयास परोपकारी प्रकृति के थे जो अलग अलग छिटपुट और विशिष्ट स्थानीय शिकायतों के उद्देश्य से प्रेरित थे यानी कि मजदूरों का कोई संगठन सामने नहीं आया लेकिन हमेशा यह कोशिश की गई बहुत सारे जागरूक लोगों के द्वारा बुद्धिजीवियों के द्वारा पत्रकारों के द्वारा कि वे मजदूरों की दुर्दशा को सामने लाएं और इसके माध्यम से अगर उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कोई काम किया जा सकता है तो वो अवश्य करें बंगाल में 1870 में शशिपाद बनर्जी ने वर्किंग मेंस क्लब की स्थापना की और वर्ष अठारह में बांग्ला में भारत श्रमजीवी नाम के एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया मजदूरों को नैतिक शिक्षा देने के लिए ब्रह्म समाज ने वर्ष अठारह में बंगाल में वर्किंग मेन्स मिशन की स्थापना की तो ये सारी की सारी कुछ प्रयास थे इसी तरीके से 1905 में वर्किंग मेंस इंस्टीट्यूशन की भी स्थापना की गई जिसमें मज़दूरों को कुछ हद तक जागरूक करने या उन्हें अपनी स्थिति के बारे में अवगत कराने या उनकी स्थिति को सुधारने के लिए कुछ सुझाव देने के काम किए गए वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक जो कि महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे उन्होंने बॉम्बे मिल हैंड्स डिफेंस एसोसिएशन का गठन किया वर्ष अठारह में महाराष्ट्र में एन एम लोखंडे ने बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की और वर्ष अठारह में उन्होंने मराठी में दीन बंधु नामक पत्रिका प्रकाशित करना आरंभ किया हालांकि ये निकाय मुख्य रूप से कल्याणकारी गतिविधियों में रुचि रखते थे और श्रमिकों के बीच इनका संगठनात्मक आधार नहीं था तो ये मुख्य रूप से जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया कि हमारे देश में ट्रेड यूनियन की जो पूरी गतिविधि है वो औद्योगिकरण के साथ आरंभ हुई लेकिन आरंभिक दौर में यह जो पूरी गतिविधि थी वह उपकार या श्रमिकों के कल्याण से संबंधित थी यानी कि इसमें यह कोशिश नहीं की गई कि श्रमिक खुद को एकजुट करें वो अपने हकों को के लिए आवाज़ उठाएं इस तरह की प्रवृत्ति अभी तक तो सामने नहीं आई थी लेकिन धीरे धीरे उसकी परिस्थितियां बन रही थी क्योंकि औद्योगिकरण बढ़ने के कारण मजदूरों की संख्या में वृद्धि हो रही थी और वो मजदूर आपस में संवाद करते हुए अपनी स्थिति के बारे में एक तरह की चेतना का विकास कर रहे थे और जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और उसके बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई उसने एक ऐसी उर्वर जमीन उपलब्ध कराई जहाँ पर ट्रेड यूनियन का उदय हुआ ट्रेड यूनियन के उद्भव के मुख्य अगर हम कारकों की बात करें तो वो बहुत सारे कारक जो थे वो प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों से उपजे हुए थे जिसमें कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में काफ़ी वृद्धि हो गई श्रमिकों के वास्तविक वेतन में गिरावट हुआ औद्योगिक उत्पादों की मांग में वृद्धि के परिणाम स्वरूप भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ जिसके कारण से ज़्यादा मजदूर अब उद्योगों से जुड़े असहयोग आंदोलन के लिए जो गांधी जी ने आह्वान किया था उसका भी एक असर मजदूरों पर दिख रहा था क्योंकि वो उनसे उन कानूनों का असहयोग करने के लिए कह रहे थे जिन्हें वो अनयायी मानते थे इसके अलावा रूसी क्रांति हुई जो सोवियत यूनियन जिसके बाद बना बनाबोलसवी क्रांति के रूप में जिसे हम जानते हैं 1917 में उसने भी एक तरह की चेतना फैलाई उन लोगों में जो कि पढ़े लिखे थे और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली चीज़ों को समझते थे और फिर इनके माध्यम से ये चीज़ें मजदूरों तक पहुँची पत्र पत्रिकाओं के लेखों या निरंतर संवाद के माध्यम से और यह माना जाता है कि अप्रैल 1918 में मद्रास श्रमिक संघ के नाम से एक संगठन का गठन हुआ और यह भारत का पहला ट्रेड यूनियन था टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन जिसे मजदूर महाजन संघ के नाम से भी जाना जाता है इसकी स्थापना 1920 में अहमदाबाद में हुई तो सबसे पहले मद्रास श्रमिक संघ 1918 में और इसके बाद 1920 में मजदूर महाजन संघ कीमतों में वृद्धि की भरपाई के लिए बोनस की मांग को लेकर अहमदाबाद के मिल मजदूरों के आंदोलन के बाद यूनियन का गठन किया गया इस संघ ने गांधीवादी तर्ज पर काम किया और कुछ वर्षों में बहुत मजबूत हो गया उसके बाद एक बहुत बड़े संगठन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी एटक का गठन हुआ मजदूरों के आंदोलन को एक नई धार तब मिली जब इस संगठन का को गठित किया गया और इसमें बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई असल में यह कहा जा सकता है कि यह उनके प्रयासों का ही नतीजा था कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन हुआ तब से मजदूर वर्ग का आंदोलन और मजबूत होता रहा और 1930 के बाद से आंदोलन में एक वैचारिक स्वर भी जुड़ गया आखिर एटक का गठन क्यों किया गया इसके गठन के पीछे जो मुख्य कारण था वह यह था कि पूरे भारत में जो छोटे छोटे ट्रेड यूनियन बने हुए हैं अलग अलग उद्योगों में अलग अलग कारखानों में उनके बीच में समन्वय के लिए यह आवश्यक है कि एक केंद्रीय संगठन को गठित किया जाए वर्ष 1919 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के गठन ने इसके लिए एक उत्प्रेरक का काम किया यानी कि जब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन किया गया तो भारत में बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय जैसे स्वतंत्रता सेनानियों या सामाजिक रूप से सक्रिय लोगों ने यह महसूस किया कि हिंदुस्तान में भी मजदूरों के हितों को सामने लाने के लिए और अलग अलग ट्रेड यूनियंस के बीच में एक कोऑर्डिनेशन या समन्वय करने के लिए एटक जैसे संस्था की जरूरत है और बाद में जो एटक के चुने हुए सदस्य थे वो आई एल ओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बैठकों में गए वहाँ उन्होंने अपने विचारों को या भारतीय मजदूरों से संबंधित समस्याओं को या भारतीय मजदूरों के सुझावों को रखा एटक में जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया कि बाल गंगाधर तिलक ने तो और लाला लाजपत राय ने इसके गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी लेकिन कई अन्य लोग थे जिसमें एन एम जोशी बी वाडिया और जोसेफ बेपिस्टा जैसे नेता सम्मिलित हैं और लाला लाजपत राय एटक के पहले अध्यक्ष बने और जोसेफ बेपिस्टा इसके उपाध्यक्ष बने पूंजीवाद को साम्राज्यवाद से जोड़ने वाले पहले व्यक्ति लाला लाजपत राय थे साम्राज्यवाद और सैन्यवादी पूंजीवाद को उन्होंने जुड़वा बच्चों की संज्ञा दी थी यह अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण विचार है क्योंकि यह दिखाता है कि किस तरीके से जो लाजपत राय थे उनके भीतर एक ऐसे रूप में विश्लेषण करने की क्षमता थी जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेनिन के द्वारा की जा रही थी और वो भारतीय संदर्भ में उन्होंने इस बात को बहुत ही साफ तौर पर रखा कि अगर हम पूंजीवाद को साम्राज्यवाद से के रूप में नहीं देखते हैं तो हम पूंजीवाद का वास्तविक विश्लेषण कर पाने में असमर्थ रहेंगे एटक की जो आरंभिक विचारधारा थी वो ब्रिटिश लेबर पार्टी के सामाजिक लोकतांत्रिक विचारों से प्रभावित थी बाद में इसमें अहिंसा ट्रस्टीशिप और वर्ग सहयोग के गांधीवादी दर्शन का भी काफ़ी प्रभाव पड़ा और यहाँ यानी कि अगर हम पूरे इस परिदृश्य को देखें बाद में एटक का स्वरूप भी बदला जिसके बारे में मैं आपको आगे थोड़े विस्तार में बताऊंगा लेकिन यहाँ शुरुआती दौर में जो एक वर्ग सहयोग की बात थी या जो ट्रस्टीशिप की बात थी या जो अहिंसा की बात थी वो पूरे तौर पर पूंजीपतियों और जो श्रमिक वर्ग है उसके बीच के टकरावों को रोकने से संबंधित थी वो इस बात से संबंधित थी कि जो मजदूर वर्ग है वह यह कोशिश करे कि संवाद के साथ अपने कर्तव्यों पर ध्यान देते हुए ही अपनी मांगों को आगे बढ़ाए और वो कोशिश यह भी करे कि जो पूंजीवादी वर्ग है उसके हितों को इस तरीके से बाधित ना करे कि उसका ही काम खत्म हो जाए यानी कि वो आ, मिल या पूंजीवादी उद्यम ही संकट में पड़ जाए इसी तरीके से पूंजीपति या पूंजीपति उद्यमी के लिए यह माना गया कि जो श्रमिक वर्ग है उसके हितों का वो ख्याल रखे और वो खुद को एक ट्रस्टी के रूप में देखे मालिक के रूप में ना देखे तो ये एक वर्ग सहयोग की विचारधारा एटक को, आ, में थी और ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है ट्रेड यूनियन के संदर्भ में आज़ादी के बाद के दौर में भी इस कानून की प्रासंगिकता बनी रही इसके कई प्रावधानों को हाल में जो श्रम संहिता आई है उसमें बदला गया है और इस अधिनियम ने ट्रेड यूनियनों को कानूनी संघों के रूप में मान्यता दी इसने ट्रेड यूनियन गतिविधियों के पंजीकरण और विनिमयन के लिए शर्तें तय की यानी यह बताया कि कैसे ट्रेड यूनियन की गतिविधियों का नियमन किया जा सकता है इसने ट्रेड यूनियनों के लिए वैध गतिविधियों हेतु अभियोजन से नागरिक और आपराधिक प्रतिरक्षा हासिल की लेकिन उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर कुछ प्रतिबंध भी लगाएं यानी किसने तय किया कि एक ट्रेड यूनियन किस तरह की गतिविधियां कर सकता है अब यहाँ कम्युनिस्टों की भूमिका को समझना आवश्यक है भारत में श्रमिक आंदोलन के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण घटना कम्युनिस्टों का उदय था कार्ल मार्क्स और व्लादिमिर लेनिन के सिद्धांतों से व्युत्पन्न कॉम्युनिस्ट विचारधारा मजदूर वर्ग को केंद्रीय स्थान प्रदान करती है वर्ष 1920 में सोवियत संघ में गठित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गठन के तुरंत बाद श्रमिक आंदोलन में सक्रिय हो गई यहाँ मैं आ, इस बात का जिक्र करना चाहूँगा और आगे भी ये संक्षेप में बात आएगी एक जगह लेकिन यही हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि अगर हम आ, कार्ल मार्क्स के विचारों को देखें तो वो यूनियन के विचारों को बहुत ही अच्छा नहीं मानते हैं ट्रेड यूनियन के विचारों को क्यों क्योंकि उन्हें लगता क्यों, है कि और लेलिन भी इससे सहमत हैं कि अगर आप ट्रेड यूनियन का गठन करते हैं तो ट्रेड यूनियन का मुख्य काम क्या है ट्रेड यूनियन का मुख्य काम ये है कि उसके जो सदस्य हैं वह उनके हितों की सुरक्षा करे ऐसी स्थिति में मार्क्स का यह मानना था कि जो ट्रेड यूनियन है वह लोगों के भीतर व्यापक राजनीतिक समझ नहीं ला पाएगा और व्यापक राजनीतिक समझ से तात्पर्य है कि पूंजीवादी वर्ग के अलग अलग तरह के जो षडयंत्र हैं या जो उसकी तरकीबें हैं और जो उनकी सामाजिक यानी कि जो श्रमिक वर्ग के सामाजिक स्थिति है उसकी गहरी समझ नहीं आ पाएगी और वो हमेशा छोटी चीज़ों की मांग करेंगे अपने लिए थोड़े ज़्यादा वेतन की या अपने काम की स्थितियों को सुधारने की जो कि बहुत ही आदर्श स्थिति नहीं है लेकिन दूसरी ओर जब व्यवहारिक स्तर पर कम्युनिस्ट राजनीति करते हैं तो वो इस बात को आवश्यक मानते हैं कि जो श्रमिक हैं वो अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हों और इसके लिए वो ट्रेड यूनियन का भी इस्तेमाल करते हैं तो एक तरफ तो वो ट्रेड यूनियन को थोड़ा राजनीतिक रूप से सीमित विचार के रूप में देखते हैं लेकिन दूसरे स्तर पर उनकी कोशिश होती है कि जो श्रमिक वर्ग है वो अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो और जब वो अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होगा तो वो और आगे जाकर गहराई में विश्लेषण कर सकता है तो कम्युनिस्ट जब आए तो उन्होंने एटक में अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश की और इसके कारण से एटक का विभाजन भी हुआ और बाद में एटक जो है वो एक वामपंथी संगठन के रूप में ही आगे प्रचलित हुआ आजादी के का समय आते आते तक बहरहाल कम्युनिस्टों ने कई अन्य उद्योगों के अलावा शुरुआती दौर में बॉम्बे की सूती मिलों और आ, कलकत्ता की जूट मिलों में मजदूरों को संगठित किया तथा जुझारू संघर्षों का नेतृत्व किया एटक वर्ष उन्नीस सौ तक आ, जो जो एटक था उसमें कम्युनिस्टों को मामूली बहुमत मिल गया नागपुर में आयोजित एटक के दसवें सत्र में कम्युनिस्टों ने आयोलो से अलग होने और साम्राज्यवाद के खिलाफ लीग के साथ जुड़ने का आह्वान किया उदारवादी और सुधारवादी समूह इस विचार के खिलाफ थे परिणामस्वरूप उन्होंने एटक को छोड़ दिया और इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन आ, ट्रेड यूनियंस आई का गठन किया और ये एक तरीके से वामपंथियों की विचारधारा वामपंथी या कम्युनिस्ट जो थे कम्युनिस्टों के कहना ज़्यादा सही रहेगा वो उनकी विचारधारात्मक एक तरीके से बहुत ज़्यादा अपने आप को सामने रखने और दूसरी विचारधाराओं से समन्वय बनाने में असमर्थ होने की प्रवृत्ति को भी दिखाता है और मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया कॉम्युनिस्ट और वामपंथी तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि जो कॉम्युनिस्ट है वो एक खास तरीके की विचारधाराओं को पूरी तरह से मानता है जो कि साम्यवाद को आखिरी लक्ष्य मानती है लेकिन सारे वामपंथी उस तरीके से कॉम्युनिस्ट नहीं होते हैं कई वामपंथी जो हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी की रणनीति से अलग हटकर काम करने में विश्वास रखते हैं इसमें समाजवादी और दूसरे समूह भी आ सकते हैं और इसकी चर्चा मैंने पीछे की है जब मैंने कॉम्युनिस्ट पार्टियों का या फिर समाजवादी पार्टियों का जिक्र किया है समाजवादी पार्टियों की जो लंबी श्रृंखला रही है उसके बारे में जब हम लोगों ने बात की है तो ये सारे बिंदु वहाँ पर आए हैं बहरहाल जो एक विभाजन तो एटक में हुआ उसके बाद राष्ट्रवादी और साम्यवादी विचारों बीच के बीच मतभेद के कारण 1931 में एक और विभाजन हुआ कम्युनिस्टों ने गांधी की कड़ी आलोचना की और वर्ष 1931 के गोलमेज सम्मेलन की निंदा की जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भाग ले रही थी इस निंदा के लिए बहुमत हासिल करने में असमर्थ कॉम्युनिस्ट राष्ट्रवादियों से अलग हो गए और रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस आर का गठन किया वर्ष 1931 तक ट्रेड यूनियनों में तीन राष्ट्रीय संघ थे एटक इफ्टू और आरटीयूसी और ये अलग अलग विभाजन के रूप में सामने आए लेकिन आगे चलकर जो ट्रेड यूनियन के नेता थे उन्होंने यह महसूस किया कि उनके रैंकों में विभाजन उनके राजनीतिक और आर्थिक संघर्षों के लिए समस्याएं पैदा कर रहा है नतीजन रेलवे यूनियनों और कुछ असंबद्ध यूनियन ने इफ्टू के साथ मिलकर वर्ष उन्नीस में नेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस का गठन किया वर्ष 1935 में आरटीयूसी और एटक भी एकजुट हो गए और एकीकृत संगठन के लिए एटक नाम को बरकरार रखा गया इसके बाद अगर हम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के दौर में श्रमिक आंदोलन पर विचार करें तो उसमें नए तरह की प्रवृत्तियां सामने आती हैं लेकिन मैं इस बात को एक बार फिर से रेखांकित करना चाहूंगा कि जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट था स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले के दौर में वह कई तरह के उथल पुथल से गुजरा भारत के में औद्योगिकरण के साथ साथ इसका उदय हुआ लेकिन इसमें उस समय भी और आज के समय में भी सारे मजदूर सम्मिलित थे ये नहीं कहा जा सकता है और आगे जब मैं ट्रेड यूनियन आंदोलन की लिमिटेशंस की बात करूंगा तो इस पहलू पर ज़्यादा विस्तार से बातचीत करूंगा लेकिन यहाँ यह बात साफ है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन की जो रणनीति थी और जो कम्युनिस्ट थे जो कि कई बार या बहुत बार जो सोवियत यूनियन के कम्युनिस्ट पार्टी से उससे मार्गदर्शन प्राप्त करते थे उनकी अलग अलग वैचारिक ध्रुवीकरणों के कारण जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट है वो भी प्रभावित होता रहा और इसी का नतीजा था कि एटक का विभाजन हुआ और फिर बाद में कई संघ आपस में जुड़े स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो एक प्रमुख बात हुई वह यह कि कई तरह के नए यूनियनों का गठन हुआ एक तो भारतीय मजदूर संघ बना बी एम एस की इसमें सौ प्रमुख भूमिका थी और कुछ अन्य लोग जो आर एस एस से जुड़े हुए थे उन्होंने इसको गठित किया और मौजूदा समय में यह एक बड़ा ट्रेड यूनियन है भारतीय ट्रेड यूनियन के केंद्र सी टू जैसे कई अन्य ट्रेड यूनियनों का गठन हुआ सी टू का गठन एटक से अलग होकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के द्वारा किया गया था आज़ादी के बाद के दौर में कांग्रेस ने इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंटेक का गठन करके बहुत ही प्रभावी तरीके से संगठित श्रमिक वर्ग को अपने में मिला लिया तो एक तरीके से हम यह कह सकते हैं कि पहले इंटेक अलग हुआ एटक से और जो आरएसएस तरीके के लोग थे वो पहले से ही काफ़ी दूर थे और उन्होंने अपने एक नए मजदूर संघ का गठन किया कई अन्य छोटे छोटे मजदूर संघों का गठन हुआ फिर जब सी पी आई एम बना तो फिर एटक से अलग होकर सीटू बना तो एटक एक तरीके से कांग्रेस और सी पी आई एम सबसे अलग और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जैसे दल के साथ जुड़े हुए मजदूर संघ के रूप में ही रह गया तो और इंटक जो है वो एक महत्वपूर्ण संघ बन गया क्योंकि इंटक का गठन कांग्रेस के द्वारा किया गया क्योंकि कांग्रेस उस समय सत्तारूढ़ दल के रूप में थी और क्योंकि इनटेक के पास ये क्षमता थी कि वह मज़दूरों के हितों को लेकर सरकार से एक तरह का संवाद कर सकती है सरकार को मज़दूरों की मांगों को मानने के लिए मजबूर कर सकती है तो इंटेक ने इस बात पर जोर दिया कि वह मोटे तौर पर मित्रवत सरकार और नौकरशाही के माध्यम से औद्योगिक मामलों में कांग्रेस की नीति को कायम रखेगी इससे इसकी काफ़ी इसका काफ़ी तेज़ी से विस्तार हुआ ऐसा करते हुए इसने खुद को कम्युनिस्टों को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की तुलना में ज्यादा प्रभावी संगठन के रूप में प्रस्तुत किया इसके कारण श्रमिकों की गोलबंदी काफी कमजोर हो गई। इसके बाद आ, कुछ कानूनों का भी निर्माण होता रहा औद्योगिक विवाद अधिनियम उन्नीस बना श्रम संबंध विधेयक और ट्रेड यूनियन बिल उन्नीस पेश किए गए उन्नीस से 1960 के बीच मजदूर वर्ग की स्थिति में सुधार हुआ और हड़तालों की संख्या में गिरावट आई हम इसको इस रूप में भी देख सकते हैं और हमें इसे इस रूप में भी देखना चाहिए कि असल में आज़ादी मिलने के बाद एक ऐसी स्थिति थी जहाँ पर जो भारत का राज्य था उसने निजी क्षेत्र को काफ़ी सहायता भी उपलब्ध कराई और एक राष्ट्र निर्माण का जो विचार था उसका एक तरीके से प्रभुत्व था इसके कारण से जो लोग थे उन्होंने यानी कि जो मजदूर थे उन्होंने अपने हितों को लेकर बहुत ज़्यादा प्रदर्शन करना धरना हड़ताल देना ये थोड़ा कम रखा इसके कारण से एक ऐसी स्थिति हुई जिसमें मजदूर वर्ग को भी इसका थोड़ा लाभ हुआ और हड़तालों की संख्या भी कम हुई 1960 के दशक के उत्तरार्ध की अवधि में मज़दूर वर्ग की मजदूरी में गिरावट देखी गई नतीजन औद्योगिक मोर्चे पर विवाद बढ़ गया यानी कि 1960 के दशक से कई तरह के समस्याएं आने लगें और अगर हम उसके बाद की स्थिति को देखें तो हम यह पाएंगे कि कई स्तरों पर जो श्रमिक संगठन हैं उन्होंने अपनी भूमिका निभाई लेकिन एक प्रवृत्ति जो आपको आमतौर पर देखने को मिलेगी वो यह कि जो श्रम श्रमिक संग, संगठन या ट्रेड यूनियन जिस राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है उसने उस राजनीतिक दल की जो व्यापक नीतियाँ थीं उनका अनुसरण किया तो इनटेक कभी भी इंदिरा गांधी के खिलाफ जोर शोर से सामने नहीं आया कई अन्य संगठन जिसमें समाजवादी नेता थे और वो प्रभावशाली स्थिति में थे उन्होंने उन ट्रेड यूनियंस को सरकार के खिलाफ गोलबंद करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अगर सीपीआई इंदिरा गांधी सरकार के साथ रही तो वैसी स्थिति में एटक ने भी इंदिरा गांधी का विरोध नहीं किया अगर सी पी आई एम उदाहरण के तौर पर इंदिरा गांधी के खिलाफ थी तो आ, उस स्थिति में सीटू ने इंदिरा गांधी सरकार का विरोध किया तो ये भी एक प्रवृत्ति देखने में सामने आई दूसरी स्थिति यह भी हुई कि जो संगठित क्षेत्र है जहाँ पर ही मुख्य रूप से ट्रेड यूनियन थे और कई अन्य क्षेत्रों में भी आ, जो आ, ट्रेड यूनियंस थे उनका धीरे धीरे विस्तार हुआ लेकिन आ, कई बार जो छोटे संगठन थे वो हमेशा यानी कि छोटे औद्योगिक क्षेत्र वहाँ पर ये समस्या आती थी जहाँ मजदूर कम होते थे कि जो आ, मालिक होते थे या जो उद्योगपति होते थे वो और ये प्रवृत्ति अभी भी है वो फूट डालो और राज करो की स्थिति करते हुए ट्रेड यूनियनों को कई भागों में बांट देते थे लेकिन आ, जो देश की में एक आर्थिक संकट की स्थिति आई 1980 के दशक के आखिर में उसके बाद भारत में वैश्वीकरण को या नई आर्थिक नीति को अपनाया गया आगे मैं नई आर्थिक नीति वैश्वीकरण या उदारीकरण की नीति पर एक अलग से लेक्चर में बात करूंगा, एक अलग एपिसोड इस पर है लेकिन यहाँ पर मैं इस बात को सामने रखना चाह रहा हूँ कि मोटे तौर पर अगर हम देखें तो इसका मजदूरों के हितों पर क्या प्रभाव पड़ा और हमें यह समझने की ज़रूरत होगी कि जो नई आर्थिक नीति थी उसमें उदारीकरण निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत की गई उदारीकरण का अर्थ था कि जो लाइसेंस राज था हर एक चीज़ में सरकार से परमिट या लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती थी उस उन नियमों में ढील दी गई निजीकरण का मतलब ये था कि जो सरकार बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही थी वहाँ पर उसने डिसइन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने की नीति अपनाई और ऐसी परिस्थितियाँ भी उत्पन्न करने की कोशिश की जिससे कि जो निजी क्षेत्र के उद्यमी हैं वो खुलकर अपने काम को कर सकें और वैश्वीकरण का सीधा सा मतलब था कि वैश्विक बाजार से भारत का जुड़ाव बढ़ा अब इन तीनों ही स्थितियों के कारण जो पूंजी था चाहे वो बाहरी पूंजी हो चाहे वो देश पूंजी हो उसमें से श्रमिकों की जो सौदेबाजी या बार्गेनिंग की स्थिति थी वो काफ़ी कम हुई ऐसा आ, कहने का अर्थ यह है कि अगर आ, बाहर से भी उत्पाद देश में आने लगें तो जो देश के उत्पादन करने वाली कंपनियां थी उन्हें ज़्यादा प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा ज़्यादा प्रतियोगिता का मतलब होता है कि आप सस्ते सामान बनाएं और आप अच्छे सामान बनाएं। जिसका नतीजा यह भी होता है या हो सकता है कि आपका सामान जो है वो सस्ता हो और वो तभी सस्ता होगा जब उसमें श्रम कम लगेगा इसका मतलब ये है कि श्रमिकों के ऊपर छटने की तलवार लटकने लगी और अगर आप निजी क्षेत्र को आपसे मेरा मतलब है कोई देश या कोई राज्य निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहता है तो उसे एक ऐसी स्थिति बनानी पड़ेगी जहाँ पर जो निजी पूंजीपति अपना पूंजी निवेश करने के लिए आएगा उसे श्रमिकों के द्वारा मजदूरों के द्वारा बहुत तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े कोई भी पूंजीवादी व्यक्ति या कोई भी पूंजीपति जो होगा कोई भी उद्यमी जो होगा उसके लिए यूनियनबाजी बड़ी ही नकारात्मक शब्द के रूप में सामने आता है तो इन सभी परिस्थितियों ने मिला जुला कर एक ऐसी स्थिति बनाई जहाँ पर कि निजी क्षेत्र की, की भूमिका बढ़ी निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए जो श्रम कानून थे उनमें भी कुछ हद तक ढील दी गई और श्रमिकों के हितों की बात जो है वो काफ़ी हद तक नेपथ्य में चली गई और आगे मैं आपसे चर्चा करूंगा कि किस तरीके से जो नए श्रम कानून प्रस्तावित श्रम कानून हैं उनमें बदलाव किया जा वो मौजूदा कानूनों में बदलाव करते हैं तो एक तरीके से आप इस बात को और अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे सरकारें लगातार ये कोशिश कर रही हैं कि श्रम कानूनों को कमज़ोर करके या श्रमिक हितों को थोड़ा पीछे करके निजी क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए हमें यह याद रखने की ज़रूरत है कि जो नई आर्थिक नीति है उसने काफ़ी हद तक मज़दूरों के हितों को नुकसान पहुंचाया इसने प्रबंधन के हाथों में ज़्यादा शक्ति दी या एक तरीके से प्रबंधन के मनमानी को एक वैध स्वरूप प्रदान किया क्योंकि उसे निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना था तो मज़दूरों की स्थिति काफ़ी हद तक कमज़ोर हुई और इस पहलू पर हम फिर वापस आएंगे जब हम नए कानूनों के बारे में और बातचीत करेंगे यहाँ हम एक अन्य महत्वपूर्ण मसले पर बातचीत कर लेते हैं उसकी एक समझ बनाने की कोशिश करते हैं कि ट्रेड यूनियन और राजनीतिक दल में किस तरीके का संबंध होता है और किस तरह के संबंधों को एक आदर्श संबंध माना जा सकता है क्या राजनीतिक दल ट्रेड यूनियन पर पूरी तरीके से हावी हो जाते हैं आम तौर पर यह माना जाता है कि राजनीतिक पार्टियों के आधार पर ट्रेड यूनियनों के बिखराव के कारण मज़दूर वर्ग की हानि होती है यानी अगर मान लीजिए कि एक देश है जहाँ पर मज़दूर हैं सौ मज़दूर हैं और उन सौ मज़दूरों वो सौ मज़दूर जो हैं वो अलग अलग पार्टियों में प्रतिबद्धता के कारण उन पार्टियों द्वारा बनाए गए ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए हैं तो कुल मिलाकर यह स्थिति बन सकती है कि जो मजदूरों का हित है उसकी उपेक्षा हो और ऐसा क्यों हो सकता है क्योंकि जो राजनीतिक दल हैं खासतौर जो सत्तारूढ़ राजनीतिक दल होते हैं वे अपने पार्टी से जुड़े मजदूर संघ का इस्तेमाल अपने पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाने या सरकार की नीतियों को वैध ठहराने के लिए कर सकते हैं और ऐसा होता भी है और इसीलिए यह माना जाता है कि जो ट्रेड यूनियन है उनकी मुख्य ताकत उनकी एकता है लेकिन जब यूनियन के सदस्यों की निष्ठा विभिन्न दलों में बढ़ जाती है तो इससे यूनियन और श्रमिक संघों के हितों का नुकसान होता है या श्रमिकों के हितों का नुकसान होता है इस संदर्भ में हम शिक्षक या मजदूर यूनियन के हितों पर विचार कर सकते हैं मिसाल के तौर पर आ, आ, अगर हम शिक्षकों के ट्रेड यूनियन की बात करें तो हम यह देखेंगे कि वहाँ पर अलग अलग राजनीतिक दलों से संबद्ध ट्रेड यूनियन हैं और जो आ, ऐसे ट्रेड यूनियन होते हैं जो कि सरकार में मौजूद दल से जुड़े होते हैं उनकी अक्सर ये कोशिश होती है कि वो सरकार की नीतियों को जस्टिफाई करें अगर सरकार कोई ऐसी नीति लेकर आई है जिससे कि शिक्षकों के काम में कमी आती है जिससे बेरोज़गारी का खतरा पैदा हो सकता है तो वैसी स्थिति में भी इस तरीके के ट्रेड यूनियन खुलकर सरकारी नीति का विरोध नहीं कर पाते हैं और कई सारे जो दूसरे श्रमिक होते हैं या जो दूसरे इस उदाहरण में शिक्षक होते हैं उनकी कोशिश यह होती है कि वे अपने छोटे हितों को पूरा करें सत्तारूढ़ दर के ट्रेड यूनियन से जुड़ के तो कुल मिलाकर एक ऐसी स्थिति बनती है जहां पर यह जानते हुए भी कि सरकार की एक विशिष्ट नीति एक खास नीति शिक्षकों के हितों का नुकसान पहुँचा रही है जो शिक्षक संघ होता है या शिक्षकों का जो ट्रेड यूनियन होता है उसमें जो सत्तारूढ़ दल का घटक होता है वह उन नीतियों को सही साबित करता है और कई सारे दूसरे शिक्षक अपने छोटे हितों के कारण उनसे जुड़े होते हैं यह बहुत ही ऐसी स्थिति नहीं है जिसे मैं सिर्फ कल्पना के आधार पर बता रहा हूँ इस स्थिति को हम किसी भी क्षेत्र में जाकर मजदूरों की स्थिति पर विश्लेषण करते हुए पा सकते हैं कि जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं वहाँ पर जो उनका ट्रेड यूनियन होता है वो असल में उनकी हितों को ही आगे बढ़ाने का काम करता है उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करता है जिसका नतीजा मज़दूरों की जो व्यापक एक हित होता है जो मज़दूरों का उसके नुकसान के रूप में सामने आता है और यहीं पर यह बात भी प्रासंगिक हो जाती है कि क्यों जो मार्क्स जो थे वो श्रमिकों के बीच यूनियन के अस्तित्व को सकारात्मक नज़रिए से नहीं देखते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि यह व्यापक स्तर पर राजनीतिक चेतना पैदा नहीं करता है बल्कि सिर्फ छोटी सोच को या छोटी सोच से यह मतलब है कि सिर्फ अपने स्वार्थी हितों को बढ़ावा देने पर ध्यान देता है यानी कि अगर मैं एक शिक्षक हूँ तो मैं सिर्फ इस बात पर ध्यान दूँ कि एक मेरी वेतन में कैसे वृद्धि होगी मेरी जो सेवा शर्तें वो कैसे अच्छी होंगी मेरी मुझे जो मिलने वाली सुविधाएं वो कैसे बेहतर होंगी और मैं इसी के लिए संघर्ष करूं और जो व्यापक समाज में जो जो बदलाव की जरूरत है जो परिवर्तन की आवश्यकता है उसकी तरफ मेरा ध्यान ना जाए और इस बात पर इस पहलू पर मैंने पीछे भी थोड़े विस्तार में चर्चा की है लेकिन यहाँ जो ये राजनीतिक दलों और ट्रेड यूनियनों के बीच में जो जुड़ाव है उससे संबंधित कई अन्य पहलू भी हैं एक तो और उसे हमें बहुत साफ तरीके से समझना होगा पहला यह है कि किसी भी समाज में व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का राजनीति से अलग रहना अत्यंत कठिन है इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हर व्यक्ति श्रमिक के अतिरिक्त भी कई पहचानों के साथ जीवित होता है तो ये तो उम्मीद नहीं की जा सकती है कि अगर हम सभी श्रमिक के रूप में एक जगह एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो अब हम और किसी राजनीतिक विचारधारा से मतलब नहीं रखेंगे यह अस्वाभाविक है यह गैर जरूरी भी है क्योंकि मैं अपने काम के स्थान को छोड़कर जब जाता हूं तो मेरी अपनी एक सोच होती है और उसके हिसाब से मैं राजनीतिक दलों से या एक राजनीतिक दल से जुड़ना चाहूँगा दूसरा राज्य द्वारा ऐसे कानून बनाए जाते हैं जो कि श्रमिकों को लाभ दे सकते हैं या श्रमिकों का नुकसान कर सकते हैं या उनके हित को और ज़्यादा बढ़ावा भी दे सकते हैं यानी कि जो ये कानून होते हैं उसमें यूनियन जो है वो और ज़्यादा बेहतर दबाव तब डाल सकता है जब उसे मुख्य धारा की राजनीति से जुड़े दलों पर दबाव डालने का मौका मिले बातचीत के माध्यम से ना सिर्फ धरना और प्रदर्शन के माध्यम से यानी कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो एक संवाद की अपरिहार्यता है वह यूनियनों के लिए हमेशा रहती है यूनियन यह यानी कि ट्रेड यूनियन जो हैं जो मजदूर संघ हैं वो यह नहीं कह सकते हैं कि हम हमेशा ही आंदोलन करते हुए अपनी बात मनवा लेंगे कई बार वो संवाद के माध्यम से अपनी बातों को ज़्यादा बेहतर तरीके से मनवा सकते हैं तो इस लिहाज से यह अच्छा होता है यह ज़रूरी होता है कि जो ट्रेड यूनियंस हैं उनका राजनीतिक दलों से जुड़ाव हो तीसरा राजनीतिक दल भी यह चाहते हैं कि समाज के हर तबके में उनका प्रभाव हो इस लिहाज से वे यूनियन के भीतर अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो ये कोशिश हमेशा एक तरफा नहीं होती है राजनीतिक दलों के द्वारा भी होती है और जैसे मैंने बोला इसके नकारात्मक पक्ष हैं पर इसका सकारात्मक पक्ष यह है कि यह जो ट्रेड यूनियंस हैं उन्हें एक ऐसा आधार उपलब्ध कराता है जिसके माध्यम से वे अपनी मांगों को सत्ता तक पहुंचा सकते हैं उसके साथ बारगेन कर सकते हैं उस पर दबाव डाल सकते हैं उसे अपने हितों की सुरक्षा के लिए प्रेरित कर सकते हैं तो इस लिहाज से ये जो यूनियन और मुख्यधारा के जो राजनीतिक दल होते हैं उनके बीच में काफ़ी अंत क्रिया देखने को मिलती है और ऐसा सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हुआ है बल्कि दुनिया के अन्य देशों में भी इस तरह की स्थिति सामने आई है चाहे ब्रिटेन हो अमेरिका या फ्रांस इन देशों पर अगर हम ध्यान दें तो वहाँ भी जो राजनीतिक दल हैं उनका ट्रेड यूनियनों के साथ एक तरह का जुड़ाव रहा है और उसके माध्यम से ट्रेड यूनियनों ने मज़दूरों के हितों को बढ़ावा देने की कोशिश की है मिसाल के तौर पर ब्रिटेन में जब ट्रेड यूनियनों को यह महसूस हुआ कि उनके हितों की पूर्ति के लिए यह जरूरी है कि वे किसी राजनीतिक दल से जुड़ें तो उन्होंने लेबर पार्टी की स्थापना में सहायता की असल में राजनीतिक दलों से जुड़ाव ट्रेड यूनियनों को सरकारों को प्रभावित करने का एक माध्यम उपलब्ध कराता है हालांकि अगर ट्रेड यूनियन मजबूत ना हो तो कई बार इसका विपरीत भी हो सकता है और इन दोनों ही स्थितियों के उदाहरण हमारे सामने हैं मैंने पीछे आपको बताया कि कैसे सत्तारूढ़ राजनीतिक दल ट्रेड यूनियनों को अपने हित में इस्तेमाल कर सकते हैं और कई बार यह भी हो सकता है कि जो सत्तारूढ़ दल होगा वह ट्रेड यूनियन की मांगों को जो कि उसी के पार्टी से जुड़ा हुआ है इसलिए मान लेगा क्योंकि उसे खतरा होगा कि अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसकी लोकप्रियता में गिरावट आएगी चुनाव में उसकी हार हो सकती है और लोग उसे नापसंद करेंगे तो ये एक स्थिति है जहाँ पर हमें यह समझना होगा कि जो ट्रेड यूनियन है, उनका राजनीतिक दलों के साथ एक जुड़ाव होता है और यह जुड़ाव आ, ट्रेड यूनियन के जो से जुड़े जो लोग होते हैं उनकी स्थिति पर भी निर्भर होता है वो उसका सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं या उसका नकारात्मक प्रभाव भी श्रमिकों के हितों पर पड़ सकता है अब अगर हम श्रम संहिता अधिनियम की बात करें जो कि संसद के द्वारा पिछले साल पूरी तरीके से पारित कर किया जा चुका है तो उसमें हमें यह बात हमें हमारे सामने आएगी कि, कि कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं और ये महत्वपूर्ण बदलाव मौजूदा श्रम कानूनों को लचीला बनाते हैं यह माना जा रहा है या दावा किया जा रहा है कि इससे मज़दूरों के हितों की भी पूर्ति होगी हालांकि बहुत से आलोचक यह कह रहे हैं कि इससे मज़दूरों के हितों को नुकसान होगा तो वो किस तरह की परिस्थितियाँ इससे सामने आएंगी इसके बारे में अभी हम थोड़ी बातों को समझने की कोशिश करते हैं पहली बात तो यह है कि जो लेबर या श्रम है वो संविधान के समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है हाल ही में संसद ने औद्योगिक संबंधों पर व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य स्थिति और सामाजिक सुरक्षा पर तीन श्रम संहिताएं पारित की हैं जो देश के पुरातन श्रम कानूनों को सरल बनाने और श्रमिकों के लाभों से समझौता किए बिना आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिए प्रस्तावित हैं हालांकि श्रमिकों के लाभों से समझौता होगा या नहीं होगा ये विवाद का विषय है ये श्रम संहिता भारत में श्रम संबंधों पर एक परिवर्तनकारी प्रभाव डाल सकती है श्रम संहिता अधिनियम के साथ ये श्रम पर केंद्रीय और राज्य कानूनों की व्यापकता को समेट व्यवसाय के संचालन को आसान बना देते हैं तीन श्रम संहिताओं के मुख्य प्रस्ताव पर हम नजर डालेंगे अभी औद्योगिक संबंध संहिता 2020 इस संहिता के महत्वपूर्ण प्रावधानों में कंपनियों में काम करने वाले श्रमिकों को काम पर रखने और उनकी छटनी को आसान बनाना सम्मिलित है औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों के लिए 300 से अधिक श्रमिकों को नियुक्त करने वाले कंपनियों को आचरण के नियमों की आवश्यकता नहीं होगी और वर्तमान में 100 श्रमिकों तक काम करने वाले प्रतिष्ठानों के लिए यह अनिवार्य है यानी कि आ, 300 अगर किसी फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ पर किसी तरीके के आचरण के नियम नहीं होंगे कंपनी के लिए एक तरीके से यह कंपनी कंपनियों को यह मौका देता है कि वो आ, अपने कार्य का विस्तार कर सकते हैं आ, बहुत सारे मजदूर नियमों की परवाह किए बगैर जहां यह पहले पहले यह संख्या सौ थी अब यह संख्या बढ़कर तीन सौ हो चुकी है इस विधेयक के अनुसार औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत श्रमिकों को कम से कम चौदह दिन पहले नोटिस देना होगा यदि वे हड़ताल पर जाना चाहते हैं तो वर्तमान में केवल सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में श्रमिकों को हड़ताल करने के लिए नोटिस देने की आवश्यकता होती है तो यह भी एक तरीके से ऐसा बदलाव है जिससे श्रमिकों के हितों को नुकसान ही होता है या वह उन्हें कमजोर ही करता है इसके अलावा 20 या अधिक श्रमिकों की को नियुक्त करने वाले प्रत्येक औद्योगिक प्रतिष्ठान में श्रमिकों की शिकायतों से उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान के लिए एक या एक से अधिक शिकायत निवारण समितियां होंगी संगीता में सेवानिवृत्त श्रमिकों की मदद करने के लिए एक कौशल कोष की स्थापना का प्रयास है तो ये जो दो प्रावधान हैं उन्हें कुछ हद तक सकारात्मक माना जा सकता है खासतौर पर जो आखिरी प्रावधान है कि एक कौशल कोष की स्थापना की जाएगी संगी सेवानिवृत्त श्रमिकों के लिए दूसरा जो व्यवसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता है उसमें यह नियोक्ताओं और श्रमिकों के कर्तव्यों को पूरा करता है और विभिन्न क्षेत्रों के लिए सुरक्षा मानकों की परिकल्पना करता है जिसमें श्रमिकों के स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति काम के घंटे छुट्टियां आदि सम्मिलित हैं संगीता संविदाकर्मियों के अधिकारों को भी मान्यता देता है संगीता नियोक्ताओं यानी कि एम्प्लॉयर्स को किसी भी क्षेत्र में आवश्यकता के आधार पर और बिना किसी प्रतिबंध के निश्चित अवधि के आधार पर श्रमिकों को नियुक्त करने की सुविधा प्रदान करती है तो यह एक तरीके से एम्प्लॉयर्स को ज़्यादा पावर देने की तरह हुआ और इसमें भी जो महत्वपूर्ण बात है वह यह कि यह सामाजिक सुरक्षा जैसे वैधानिक लाभों के लिए अस्थाई कर्मचारियों को उनके स्थायी समकक्षों के बराबर वेतन देने का भी प्रावधान करता है और आ, यह भी अनिवार्य है कि किसी भी श्रमिक को किसी भी प्रतिष्ठान में प्रतिदिन आठ घंटे या सप्ताह में छः दिन से अधिक काम करने की अनुमति नहीं होगी ओवर टाइम के मामले में किसी कर्मचारी को उसके वेतन का दोगुना भुगतान किया जाना चाहिए यह उन छोटे प्रतिष्ठानों पर भी लागू होगा जिनके पास दस श्रमिक हैं तो एक तरीके से यह ओवर टाइम के मामले में कर्मचारियों के हितों को ज़्यादा सुरक्षित करता है यह संहिता लैंगिक समानता भी लाता है और महिला कर्मचारियों को सशक्त बनाता है महिलाएं सभी प्रकार के कार्यों के लिए सभी प्रतिष्ठानों में नियुक्त होने की हकदार होंगी और उनकी सहमति से सुरक्षा एवं अवकाश तथा काम की घंटे से संबंधित स्थितियों के अधीन सुबह 6 बजे से पहले और शाम सात बजे के बाद वे काम कर सकती हैं अगर वो ऐसा करना चाहती हैं तो पहली बार श्रम संहिता भी ट्रांसजेंडरों के अधिकारों को मान्यता देती है यह औद्योगिक प्रतिष्ठानों को पुरुषों महिला और ट्रांसजेंडर कर्मचारियों के लिए वॉशरूम स्नान स्थल और लोकल रूम को बनाने को एक अनिवार्य कदम के रूप में रखती है तो हम यह कह सकते हैं कि बहुत सारे प्रावधान इसमें ऐसे हैं जो कि मजदूरों के विभिन्न तबकों के लिए लाभप्रद हैं जो तीसरी संहिता है वह सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 है इसमें नौ सामाजिक सुरक्षा कानूनों की यह जगह लेगा यह जो सामाजिक सुरक्षा संहिता है जिनमें मातृत्व लाभ अधिनियम कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम कर्मचारी पेंशन योजना कर्मचारी मुआवजा अधिनियम शामिल है संहिता असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों जैसे कि प्रवासी श्रमिकों गिग श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज को सार्वभौमिक बनाती है पहली बार सामाजिक सुरक्षा के प्रावधानों को कृषि श्रमिकों के लिए भी बढ़ाया जाएगा संगीता सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए ग्रेचुटी भुगतान करने की समय सीमा को पाँच वर्ष से एक वर्ष की निरंतर सेवा तक कम कर सकता करता है जिसमें निश्चित अवधि के कर्मचारी अनुबंध श्रम दैनिक और मासिक वेतन कर्मचारी सम्मिलित हैं तो ये हमने जो प्रावधान देखे हैं अगर हम उसके लाभों की तरफ ध्यान दें तो कुछ पहलू साफ तौर पर सामने आते हैं पहला ये तीन संहिता 25 केंद्रीय श्रम कानूनों को कम करके श्रम कानूनों को सरल बनाती हैं दूसरा एकल लाइसेंसिंग तंत्र बन जाता है आसानी से विवादों का समाधान हो सकता है ये तीसरा बिंदु है चौथा इससे व्यापार करने में आसानी होगी क्योंकि बहुत तरह के ऐसे प्रावधान हैं जो यूनियनों के द्वारा हड़ताल को जो एक ज़्यादा मौका देते हैं नियोक्ताओं को कि उन्हें पता चले चौदह दिन पहले ही कि हड़ताल होने वाली है तो वो इस स्थिति को सुधार पाए उसी तरीके से इसमें यह कहा गया है कि आप जो नियुक्त हैं वो मजदूरों को रख सकते हैं 300 मजदूरों तक की अगर उनकी फैक्ट्री है तो बहुत सारे जो प्रावधान हैं श्रमिकों के लिए उन्हें लागू करने से उन्हें छूट मिल जाती है तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक तरीके से लाभप्रद हैं व्यापार के संदर्भ में लेकिन इससे संबंधित कुछ चिंताजनक बातें भी हैं आ, कई बिंदुओं को मैंने रेखांकित किया जब मैं इसके बारे में बता रहा था लेकिन अगर अगर हम इसको और व्यवस्थित तरीके से देखें तो अपने आ, ये संहिता जो है वो औद्योगिक प्रतिष्ठानों को अपने कर्मचारियों को अपनी इच्छा से काम पर रखने और उनकी छटनी प्रदान करने की स्वतंत्रता प्रदान करती है यानी कि काम की कोई सुरक्षा नहीं है और कंपनियों को श्रमिकों के लिए मनमाने ढंग से सेवा की स्थितियों को पेश करने में यह सक्षम कर देता है यानी कि यह या कंपनियों को या नियोक्ताओं को ज़्यादा शक्ति प्रदान करता है राज्यों को श्रम अधिकारों के उल्लंघन की कानूनी छूट देने के लिए एक स्वतंत्र अधिकार दिया गया है औद्योगिक शांति औद्योगिक संबंध संहिता का प्रस्ताव है कि कारखानों में श्रमिकों को कम से कम चौदह दिन पहले कर्मचारियों को नोटिस देना होगा यदि वो हड़ताल पर जाते हैं तो।, तो ये एक तरीके से जो श्रमिकों के जो हित हैं उसको प्रभावित करता है और एक ऐसी स्थिति भी आती है कि जो हड़ताल का क्योंकि अगर किसी कारखाने में या किसी फैक्ट्री में जो नियोक्ता है या जो कंपनी का मालिक है उसे पता चल जाता है कि हड़ताल होने वाली है तो वो अलग अलग तरीके से श्रमिकों के बीच में फूट डाल सकता है तो ये एक ऐसा प्रावधान है जो मुख्य रूप से श्रमिकों के हितों की अवहेलना करता है और जो उद्योगों के मालिक हैं उनके हितों को मजबूती देता है तो ये जो सारे बदलाव होने वाले हैं उसमें प्रस्तावित हैं अभी लागू नहीं किया गया है और इनका कई श्रमिक संगठनों के द्वारा विरोध भी किया गया है और इसके पीछे मुख्य मकसद जो 1990 के बाद की एक स्थिति बनी है उस स्थिति को और ज़्यादा प्रभावी तरीके से लागू करना है यानी कि एक ऐसी स्थिति जहाँ पर जो निजी उद्यम है जो पूंजीपति हैं वो अपने काम को सही तरीके से कर पाएँ जो श्रमिक हैं उनके हितों को बहुत ज़्यादा तवज्जो ना देकर कुछ उनको सुविधाएं प्रदान करना लेकिन जो उनको मुख्य हित हैं यानी कि अगर वो एक संस्थान में गरिमा तरीके से काम करना चाहते तो उसकी अवहेलना करना पर उसके बदले में कुछ ऐसे प्रावधान कर देना मिसाल के तौर पर हम यह कह सकते हैं कि और वो प्रावधान सही भी माने जा सकते हैं कि उनके लिए एक अगर कोई सेवानिवृत्त होता है तो उसके लिए एक कोष बनाना पर व्यवहारिक स्तर पर फिर इन प्रावधानों को भी बहुत गहराई से देखने की जरूरत होगी कि आखिर अगर एक कंपनी को यह अधिकार मिल जाता है कि वो अपने यहाँ काम करने वाले लोगों को हटा सकती है तो फिर सेवानिवृत्ति का जो ये पूरा की जो ये पूरी अवधारणा है वो किस तरीके से लागू होती है तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो कि स्पष्ट नहीं हैं ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो कि छोटी छोटी सुविधाओं के रूप में सामने आती हैं इनमें से कुछ स्वागत योग्य भी हैं मिसाल के तौर पर जो ट्रांसजेंडर श्रमिकों के लिए प्रावधान किया गया है वह एक प्रगतिशील कदम के रूप में है लेकिन कुल मिलाकर जो ये श्रम सुधार के जो कानून हैं जिनके क्रियान्वयन को भी रोका गया है वो श्रमिकों के हितों की उपेक्षा करते हैं उनकी अवहेलना करते हैं और जो हड़ताल वाला जो पहलू है वो सबसे इसलिए महत्वपूर्ण माना जाएगा क्योंकि हड़ताल का अधिकार श्रमिकों ने इस देश में लड़कर लिया और अब हड़ताल करने के और हड़ताल पर श्रमिक तभी जाते हैं जब उसके पहले की जो चीज़ें हैं वो नहीं मानी जाती हैं तो यानी कि सरकार संवाद के माध्यम से या फिर जो दूसरे नियोक्ता हैं निजी क्षेत्र के वो संवाद के माध्यम से समाधान नहीं निकालते हैं तो ऐसी स्थिति में श्रमिक आ, हड़ताल पर जाते हैं लेकिन अगर उनके इस अधिकार को पर भी चोट की जाती है तो यह एक तरीके से नकारात्मक परिघटना के रूप में ही सामने आएगी अब यहाँ हम ट्रेड यूनियन आंदोलन की कमजोरियों की बात करें तो कुछ कमजोरियाँ तो बहुत ही साफ हैं सभी मजदूर इसमें सम्मिलित नहीं हैं मजदूर वर्ग का एक बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र से संबंधित है और वह ट्रेड यूनियन के दायरे से बाहर रह गया है और यह इसकी जो इसके जो पूरी की पूरी संख्या है वह बहुत ज़्यादा है और तकरीबन 10 प्रतिशत से भी कम ऐसे मजदूर हैं जो कि संगठित क्षेत्र में हैं और उन्हीं में जो ट्रेड यूनियंस हैं वो काम करते हैं हालांकि यह प्रवृत्ति भी अभी देखने में आई है कि बहुत तरह के यूनियंस जो हैं कम से कम बड़े शहरों में उभर कर सामने आए हैं और वहाँ पर मिसाल के तौर पर ऑटो रिक्शा वालों का यूनियन रिक्शा चालकों का यूनियन लेकिन ये पूरे देश के स्तर पर नहीं है किसानों के जो यूनियंस बने हैं जो श्रमिक संघ के रूप में ना होकर किसान अपने हितों की सुरक्षा के लिए बनाते हैं उसके भीतर कई तरह की विषमताएँ होती हैं जिसके बारे में हम किसान आंदोलन के समय बात करेंगे लेकिन अगर हम विशिष्ट रूप से ट्रेड यूनियंस में मजदूर संघों की बात कर रहे हैं तो हम ये पाते हैं कि बहुत तरह के जो मजदूर हैं वो कभी भी खुद को संगठित नहीं कर पाते हैं और संगठित नहीं करने का एक बड़ा कारण तो ये है कि जो ट्रेड यूनियन है वो संगठित क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और दूसरा संगठित क्षेत्र का मतलब ये है कि जहाँ पता है कि एक स्थान पर कितने लोग काम करने आ रहे हैं काम का एक पूरा ऐसा दायरा है जहाँ पर लोग एक दिन कोई और काम करते हैं दूसरे दिन कुछ और काम करते हैं तो ऐसे लोगों को संगठित नहीं किया जा सका है और किस तरीके से ऐसे मज़दूर जो हैं वो अपने आवाज़ को सामने लाएंगे उसके बारे में ट्रेड यूनियन के द्वारा अभी तक कोई कोशिश नहीं की गई है और ट्रेड यूनियन की बहुलता है जैसे हमने पहले भी इस बात का तो जिक्र किया और इसके निहितार्थों का भी जिक्र किया और अभी भी इस बात पर जोर देने की ज़रूरत है कि हमारे देश में जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट है उसकी जो एक कमी है वह यह है कि बहुत तरह के अलग अलग तरह के ट्रेड यूनियन हैं पूंजीवादी व्यवस्था में यूनियनों की बहुलता मजदूर वर्ग को खंडित करने के साथ ही सभी प्रकार के दबावों के प्रति संवेदनशील बनाती हैं यानी कि अगर मज़दूर वर्ग में अलग अलग तरीके से ट्रेड यूनियंस हैं तो जो एम्प्लॉयर हैं या जो कंपनी के मालिक हैं उन्हें आसानी से नियंत्रित कर दे सकते हैं अनुत्तरदायी ट्रेड यूनियनें देश में ट्रेड यूनियनें मजदूर वर्ग के समस्याओं के प्रति उत्तरदायी नहीं रही हैं संगठन खंडित हो गए जिससे उनके बीच कटु प्रतिद्वंदिता पैदा हुई और इसलिए बहुत बार वे मजदूर वर्ग के मुद्दों का जवाब देने में विफल रहे यहाँ जो मुख्य बात है वो यह भी समझने की जरूरत है कि कई बार आ, ये आलोचना जो है वो जो लोग निजी क्षेत्र के समर्थक हैं उनके द्वारा भी आती है कि कई बार जो ट्रेड यूनियंस हैं वो मज़दूरों की बेजा मांगों को भी आगे बढ़ाती हैं और वो मज़दूरों के भीतर कई बार यह प्रवृत्ति लाने में सफल नहीं हो पाती हैं कि बहुत से मज़दूरों को जो कि अपना काम ठीक से नहीं करते हैं उन्हें अपना काम ठीक से करना चाहिए तो जो लोग अपने काम को सही तरीके से नहीं करते हैं लेकिन जो ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए हैं ट्रेड यूनियन उनके हितों की भी सुरक्षा करती है और इससे एक स्थिति यह आती है कि जो कारखाना है या जो उद्यम का क्षेत्र है जहाँ भी जो ट्रेड यूनियन है वो उस क्षेत्र के कार्य संस्कृति को प्रभावित करता है और देश में कई ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जहां ट्रेड यूनियनों की गतिविधियों के कारण जो कोई उद्यम का क्षेत्र था वह घाटे में चला गया और सिर्फ वो एक कारण नहीं था पर वो एक बड़ा कारण के रूप में हर छोटे मुद्दे पर हड़ताल हो जाना बहुत सारे लोगों के द्वारा अपना काम ना करना इस तरह की स्थिति को बढ़ाता है मजदूरों के बीच में फूट पैदा हुई है और इसमें जो औद्योगिक देश के औद्योगिक मजदूर वर्ग ने राजनीतिक मुद्दों पर सामूहिक प्रत्यक्ष कार्रवाई में किसानों और समाज के अन्य वर्गों के साथ गठबंधन नहीं किया यह मजदूर वर्ग की कमी को दर्शाता है और इसको हम कई स्तरों पर देख सकते हैं बैंक के जो कर्मचारी हैं जब वो हड़ताल पर जाते हैं तो उन्हें किसान जो हैं उनका सीधा समर्थन नहीं मिलता है जब किसान आंदोलन करते हैं तो बैंक कर्मचारियों का कोई सीधा समर्थन नहीं मिलता है या कई बार उसका विरोध भी किया जाता है तो अलग अलग क्षेत्रों में जो मजदूर हैं वो कभी भी एक दूसरे के साथ समन्वय नहीं बना पाए हैं और संगठित क्षेत्र में ट्रेड यूनियनों ने सामाजिक रूप से उत्पीड़ित समूहों से संबंधित महिला श्रमिकों और अन्य श्रमिकों की समस्याओं की अनदेखी की है और ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है क्योंकि जैसे हम लोगों ने पहले इस चीज़ को देखा था कि गेल ओमवेट इस चीज़ को रेखांकित कर रही हैं कि जो अलग अलग तरीके के आंदोलन हैं वो वास्तव में पूरी तरीके से अलग अलग नहीं होते हैं तो जब हम ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स की बात करते हैं श्रमिक आंदोलनों की बात करते हैं तो उनके भीतर भी महिलाओं का प्रश्न है जाति का प्रश्न है और इन सब पर ट्रेड यूनियन अपने आप को पूरी तरीके से, से सेंसिटाइज नहीं कर पाए हैं तो ये उनकी एक बहुत बड़ी कमी है आज के इस पूरे एपिसोड में मेरी यह कोशिश रही कि मैं आपको भारत में ट्रेड यूनियन मूवमेंट की इतिहास और उसके विकास के प्रमुख चरणों और वर्तमान समय में जो कुछ भी हो रहा है उस स्थिति तथा जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट है उसकी चुनौतियों के बारे में एक संक्षिप्त समझ दे सकूँ मुझे ये उम्मीद है कि इस एपिसोड के बाद आप ट्रेड यूनियन के बारे में एक समझ बना पाए होंगे और आगे आप अन्य पुस्तकों को पढ़ेंगे और हमारे देश में जो ट्रेड यूनियन आंदोलन की स्थिति है उसकी ज़्यादा बेहतर समझ बनाएंगे। आज के इस एपिसोड को मैं यहीं समाप्त करता हूँ अगले अंग में हम मिलेंगे और भारतीय राजनीति के एक अन्य आयाम पर विस्तार से चर्चा करेंगे नमस्कार